नमस्कार दोस्तों दोस्तों गलतियां तो सबके साथ होती हैं, लेकिन आम तौर पर जो गलतियां होती हैं उस मैटर को वहीं पे क्लोज कर दिया जाता है। दोस्तों हमारी गलतियां इतनी बड़ी नहीं होती जिसकी वजह से हम पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस चीज़ को हम वहीं पे दबा देते हैं या भूल जाते हैं। लेकिन कई बार ये गलतियां इतनी बड़ी हो जाती है जिसे हम सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी इतनी ज़्यादा नुकसान कर देती है ये गलतियाँ। दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हाल ही में एक एयरपोर्ट ओपन हुआ था 31 अक्टूबर 2020 में, जिसका नाम है बर्लिन ब्रांडेनबर्ग। इस एयरपोर्ट में 5 टर्मिनल हैं, जिसमें से 2 ओपन हैं और 3 क्लोज हैं। ये सालाना 27 मिलियन पैसेंजर्स को संभालने की कैपेसिटी रखता है। दोस्तों प्रॉब्लम यह है इसमें डिज़ाइन की, जो कि काफ़ी पुराना है और आज के टाइम पर ये एडजस्ट नहीं कर पा रहा। जैसे 2020 में टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठ पा रहा, जिसकी वजह से सरकार कह रही है इसके अंदर और भी पैसा लगाना बाकी है, जिसकी वजह से ये ढंग से इम्प्रूव हो सके और इसमें ढंग से काम हो सके। इसके पीछे का रीज़न माना जाता है इसके डिले होने का। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सरकार ने जो इस एयरपोर्ट को बनाने का जो बजट निकाला था वो था 2.5 बिलियन डॉलर्स, लेकिन ये कम्प्लीट हुआ तो उसका जो बजट निकला था वो निकला 8 to 9 बिलियन डॉलर्स। आप समझ रहे हो 8 to 9 बिलियन डॉलर्स कितना होता है? और आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो आपको ये आंसर निकलेगा। दोस्तों इसका डिज़ाइन सुधारने के लिए अभी भी 2.5 बिलियन डॉलर्स का और बजट मांग रहे, जिसका ये डिज़ाइन जो है अब नए मॉडल में बनेगा। क्योंकि उस टाइम का जो ये 2000 के टाइम का, यानी आज से 20 साल पुराना, 20 या 21 में अभी भी कन्फर्म नहीं हो पा रहा, पर 20 या 21 साल पुराना ये डिज़ाइन है और ये अनफैशनेबल लोगों को लगता है। इसको अभी अपनी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जैसे आज के टाइम की टेक्नोलॉजी चल रही है, उस हिसाब को करने के लिए इसे अभी भी 2.5 बिलियन डॉलर्स का बजट अभी भी आ रहा है। इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब इस चीज़ पर रिसर्च करी तो उन्होंने देखा कि क्लाइमेट्स में भी इसमें बहुत प्रॉब्लम है, रनवे ठीक से नहीं बनाया। प्लस इसमें सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी स्पेस की। यहाँ पे प्लेन ढंग से नहीं खड़े हो पाते थे और यहाँ पे स्पेस की बहुत प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से खाली प्लेन्स को ही टेक ऑफ करवा दिया जाता था वो कंट्री की दूसरी साइड से, फिर वीआईपी पैसेंजर्स को वापस प्लेन लेने के लिए आता था दोबारा। दोस्तों हर चीज़ को मिला के इन्वेस्टिगेटर्स ने सब साफ बोल दिया था कि ये ऊपर से नीचे और स्टार्ट टू एंड बिल्कुल फेलियर, सबसे बड़ा फेलियर ये प्रोजेक्ट है और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये फेलियर साबित हुआ और इतने पैसे सरकार के बर्बाद हुए। जर्मनी को सबसे ज़्यादा इस चीज़ में नुकसान हुआ, आगे भी और भी पैसे मांग रहे हैं इसको कंटिन्यू करने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।